हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभात, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव माइंड। तो फ्रेंड्स, आज आप वीडियो लेट्रे मिलूँ कहीं आज मुझे लेट नाइट लेट संध्या घर फेरली तो सहित देह भी टे भल ना तो लेट्रे वीडियो बनाऊँ जहाँ भी हो आप एग्जाम टाइम तो निहत मुझे कहली गोटे वीडियो निश्चित भाव आपको अपलोड कर देवार अच्छी तो प्राक्ट करूँ मात्र 20 क्वेश्चन एनक्लूड करती आपड़ एम आईएल ओडिया आप 2016 फास्ट ओटेट्र सेट सी आप प्रैक्टिस करि परबे। ठीक अछि, तो उत्तर 20 मेलांतु एवं ता सहित आपनकर आंसर केते ठीक रहू छी मते कमेंट बॉक्स मते लेखंतु। चलन देखो क्वेश्चन कोन रहू छी, अपेक्षा शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्दटी कोन। ठीक अछि, सापेक्ष, अपेक्षमाण, उपेक्षा एवं निरपेक्ष। ठीक अछि, तो आंसर मो आंसर सुनिया पूर्व आपनकर आंसर भाबंतु एवं केतरे ठीक हला मते हम कहिबे। तो आपनकर अपेक्षा शब्दर विपरीत अर्थबोधक हे जो आपनकर उपेक्षा। ठीक अछि, अपेक्षार विपरीत अर्थ हे जो आपनकर उपेक्षा। अच्छा, जीवा बर्तन आम 32 नंबर क्वेश्चन को, केउटी विशेषण पद। ठीक अछि, एडजेक्टिव कथा पचाउछि आपनकर विशेषण। तो ऑप्शन रहै छि पाठुआ, दंपति, चक एवं उजन। तो सेठी आपन सठिक उत्तर हे जीव पाठुआ। ठीक अछि, आपन एडजेक्टिव कहले साधारणत आमे कोनसे विशेष्यर गुण, परिमाण, तार संख्या इत्यादि, रंग इत्यादि को आम विशेषण बोली कही था। तो ये पाठुआ गोटे गुण को बुझाऊँ तो से अनुसार विशेष पद, कि दंपति चक एवं ओजन कौन से गुण को बुझाऊना तो ये आपको विशेषण नुहे। जीवा 33 नंबर क्वेश्चन को, जे से जहार ताहार जिते से पद गुड़क कि प्रकार सर्वनाम। तो नाउन कथ पचार तो आत्मवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निर्देशवाचक। ठीक अच्छे, तो 33 नंबर क्वेश्चन आपको सठिक उत्तर हो संबंधवाचक। जे से जहार ताहार ये सब आप संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक अच्छे, जीवा 34 नंबर क्वेश्चन को, क्योंटी जल शब्दर समय पर्यायवाची शब्द नुहे। ठीक अच्छे, रसा, अंबु, ता सहित आपणकर तोयो एवं पोयो। ठीक अच्छे, चारोटी ऑप्शन आपण पाखर अच्छे। तो 34 नंबर क्वेश्चन आपको सठिक उत्तर हो रसा, ता अर्थ रसाटी आपणकर जो आपणकर जल शब्दर समय पर्यायवाची शब्द नुहे। ठीक अच्छे, जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नोक्त क्यों वाक्य प्रेरणार्थक क्रियार व्यवहार करा जाए। ठीक अच्छे, शिशुटी धीरे धीरे पेटेला, वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगित दौड़ा बेल गोपाल पछेगला, एक भोट ग्रहण केन्द्र में जड़े भिन्नक्षम नागरिकों पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर व्हील चेयर टी मगाइले एवं शेष रही से घर बड़ पुओ हो कौन दायित्व मुंडेले ना। तो आपण 36 नंबर क्वेश्चन सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये जो मगाइले आंसर देखुं ये हूँ प्रकृत में गोटे प्रेरणार्थक क्रिया ये मगाइले। तो प्रेरणार्थक क्रिया बुझापी आपको सठिकटे कहे देखो मगिले जदि कही था केवल क्रिया बोली कही था मगिले, कि मगाइले ता अर्थ आपड़ जमी जानते इंग्लीश पैसिव वॉइस। ठीक अच्छे, तो सी हूँ प्रेरणार्थक क्रिया मगिले मगाइले। जदि आप गोटे एग्जांपल देवा चाहिए खाइबा ये हूँ गोटे आपणकर वर्ब, किंतु जदि थी खुआईबा। ठीक अच्छे, थी खुआईबा तो सी हो प्रेरणार्थक क्रिया। से भाई आउ गोटे एग्जांपल देवी जहाँफल आप क्लीयर थोड़ा बुझे खेल जदि आप थाए खेल तो ये हूँ आप गोटे क्रिया, कि जदि खेल थाए तो सी हो प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक अच्छे, तो एथर मुझे आप खेलार्थ जेकोसी क्रियार तार प्रेरणार्थक क्रिया आप मैंने बाहर करेंगे, नाचवा तार प्रेरणार्थक क्रिया आपपरेंगे नचाइवा। ठीक अच्छे, तो एथर आप बुझीपारे एथर प्रेरणार्थक क्रिया संपर्क जेकोसी भी प्रश्न आसो आप क्लीयरली कहींपरेंगे। तो ये आपंकर कौन थी जो मगाइले मगिबार आपंकर प्रेरणार्थक क्रिया मगाइले, तो सीपे ऑप्शन नंबर सी एटी आप ठीक उत्तर। आज बर्तन आप 37 नंबर क्वेश्चन को, क्यों वर्णर सांकेतिक रूप ना। ठीक अच्छे, ओ आ हर्षे एवं दीर्घी, तो सांकेतिक रूप ना कहार एटी आप सठिक उत्तर हो 37 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ओ रो देखो सांकेतिक रूप अर्थात आप जो बना कथा कहते अर्थ आपणकर आकार आकार अच्छी सांकेतिक रूप कार आकार अच्छी, हर्षिकार आपणकर हर्षिकार अच्छी, दीर्घिकार दीर्घिकार अच्छी, हर्षोकार अच्छी, दीर्घिकार दीर्घकार अच्छी, किंतु ओ कार बोली गोटे किसी ना। ठीक अच्छे, ना ओ कार बोले किसी ना। आउ देखो आप जिते भी अच्छे औ कार केवल ओ को छाड़देले स्वर वर्ण में आज जिते भी अच्छे आपंकर ओ कार औ कार ए कार ओ कार सब अच्छी केवल ओ कार टी ना, तो सांकेतिक रूप आर ना। आशा कर आपने बुझीपारे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को, बारंबार अनुरोध सत्वे से मो कथा शुणिल ना, वाक्य क्योंटी विप्सार्थक अव्यय पद। तो बारंबार अनुरोध सत्वे से मो कथा शुणिले ना, तो 38 नंबर क्वेश्चन आपंकर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए, बारंबार विप्सार्थक ये हूँ आपंकर जोटा कि बारंबार अर्थर व्यवहार हुए ये हूँ आपंकर विप्सार्थक अव्यय। अव्यय विषय गोटे स्पेशल वीडियो बनैबी जीपर आपको समास विषय गोटे स्पेशल वीडियो बनई तो अव्यय विषय में समय हेल्ले गोटे समास स्पेशल वीडियो बनैबी जो आम विभिन्न प्रकार अव्यय विषय आलोचना
କରିବା। ଯିବା 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ଉଦାସୀନ, ଉଚ୍ଚଶ୍ରବା, ଉଟଜ ଏବଂ ଉତ୍ପ। ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କଲା ଭଳିଆ, ତ ଏଠି ଆପଣ ସଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଉଦାସୀନ, ଉତ୍ଯୁକ୍ତ ଆସୀନ, ଉତ୍ଯୁକ୍ତ ଆସୀନ ଉଦାସୀନ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଉତ୍ ଉପସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ନା କି ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟିର। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରୂଢ଼ି କଥା ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଲୋକମାନେ ରୂଢ଼ିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ୍ 10 ବହିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ହାଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିଦେବା ଏବଂ ଅହି ନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ। ତ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ରିୟା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ଭର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ଦେବା, ଓହି ନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭର୍ବ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ବା କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟଟି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳି ଦେବା ତା ଧର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣ ଭର୍ବ ଯଦି ଚିହ୍ନିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଚିହ୍ନିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 41-50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଛି, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଆପଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିକି ଏନ୍ସର୍ କରିବେ, ତ ତାକୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖିବେ 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବିବିଧ କୌଶଳକୁ ମଧ୍ୟରେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହୁଏ, କବିତାର ଭାବଧାରା ଓ ଯତିପାତ ଛନ୍ଦ ଓ ଶାବ୍ଦିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଅସଜଣା ଶବ୍ଦର ବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଚାରିଟି ଅପ୍ସନ୍ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ, ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବିଟି। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କବିତାର ଭାବଧାରା, ତ କବିତା ପଢ଼ିବା ଯାଏ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ କବି ନା କି ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ, କବିତା ତ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ କେବେ ବି ଆସେନି। କବିତାର ଭାବଧାରା, ଯତିପାତ, ଛନ୍ଦ ତା ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କବିତାର ପାଇଁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ବାକି ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା, ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା, ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସିଧା କରି ଲେଖିବା। ତ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ବା ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂର ଲକ୍ଷଣ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଶିଖଉଛନ୍ତି, ତ କୌଣସି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ବା କୌଣସି ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ସ ଆମେ ତାକୁ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଅଛି, ତ ସେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ଯେ ଶବ୍ଦ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୁଲ୍ ଗୁଲ୍ ହେବ। ତ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସେ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବ ଏବଂ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନର ହେଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ନିର୍ଭୁଲ ଲେଖିବ ଏବଂ ଧାଡ଼ି ତା'ର ସିଧା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଯିବା 53 ନମ୍ବରକୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ, ମୁକ୍ତ ଲିଖନମୂଳକ, ସୂଚନାତ୍ମକ ଲିଖନ, ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ଏବଂ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନରେ ତା'ର ଟୋଟାଲ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖିଦେବ, ଯାହା ଦେଖିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ଏବଂ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବଳ ଯାହା ଶୁଣିବ ତାହିଁ ଲେଖିବ। ତା'ପରେ ସୂଚନାତ୍ମକ ଲିଖନର କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଛି ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁଟା ମୁକ୍ତ ଲିଖନ ସେଠି ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ। ତା'ର ତ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରଚନା ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଆପଣ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ମୁକ୍ତ ଲିଖନ କରିପାରିବ, ତା'ର ତ ତା ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସବଜେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆହେଇଥାଏ, ତ ଏଠି ତା'ର ହେଇଯିବ ମୁକ୍ତ ଲିଖନ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ ଥାଏ ସେଠି, ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ରଚନା କୁହନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ 54 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ? ତ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ତା'ର ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲିଂ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କର ଯେ ବୋଧ ପ୍ରବୋଧ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ସେସବୁ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ତ ସେ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ମାନେ ଭୂମିକା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣର 4 ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପଠନ ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ, କଥନ ପଠନ, ଶ୍ରବଣ କଥନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟର କଟର କହେ, ଆପଣ LSRW ସବୁରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲିସନିଂ ସ୍ପିକିଂ ରିଡିଂ ରାଇଟିଂ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲିସନିଂ ବା ସ୍ପିକିଂ, ତା ତ ଶ୍ରବଣ ଆଉ କଥନ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ସ୍କୁଲିଂ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏବେ ଇଭେନ୍ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରବଣ ଆଉ କଥନ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବେଟର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲିଂ ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ହିଁ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଶ୍ରବଣ ଆଉ କଥନ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ। 55 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ହେବା
आवश्यक वाक्य शिक्षा शब्द शिक्षा वर्ण शिक्षा सूत्र शिक्षा ठीक अच्छे तो आप 55 नंबर क्वेश्चन सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर डी सूत्र शिक्षा व्याकरण प्रकृत अर्थ होती केवल यूर गोटे शिखे ना सबूगुड़ा शिखे तार्थ कौन से आप फर्मुला शिखा व्याकरण मध्यम किपर कौन गोटे सेन्टेन्स को सरस सुंदर और सठिक मात्रा आम लिखिपर से आम व्याकरण तो लिखिथ ठीक अच्छे तो ये सब भितर शिखा को पड़ो आप वाक्य शिखा को पड़ो शब्द शिखा को पड़ो और वर्ण शिखा को पड़ो तो व्याकरण शिक्षार मूल भित्तिटा आपंकर आवश्यक होती सूत्र शिक्षा जी आप 56 नंबर क्वेश्चन को पाठ योजन गद्य शिक्षा दंड के एक सोपान नुहे तो जदि आपड़े लेसन प्लान प्रिपेयर कर डीएलईडी कि बीएड कर निश्चित भाव लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे तो भितर आपर गोटे ना जो थी आप गद्य प्रोज पढ़ाऊँच तो से प्रोज पढ़ा बेल एर गोटे ना शब्दानुशीलन सरब पठन नीरव पठन और द्रुत पठन तो ये आप सठिक उत्तर हो द्रुत पठन देखो शब्दानुशीलन आप रही है कहीं आप जो प्रोज पढ़ाऊँच पे कष्ट शब्द जो गुड़ा था आप शब्दानुशीलन मध्यम विभिन्न प्रकार उपाय आपर शब्दर मिनिंग आपड़ था सरब पठन तार्थ उच्च स्वर से आप पिला को पाठ पढ़ाई कहे जिते बड़े आपर जो आपर रीडिंग सारे कोरस रीडिंग जोटा आप कहुए और शेष में साइलेंट रीडिंग थाए कहीं पाला जो तार मिनिंग बुझापाई आप शब्दानुशीलन करदे पिला नीरव पठन कराए कहीं से मिनिंगटा बुझे तो से अनुसार ये आपको नीरव पठन रु द्रुत पठन बोली कौन आम से स्टेज ना आपको स्टेज जो तीनो स्टेज आप रही उपक्रम उपस्थापन और मूल्यांकन से द्रुत पठन बोली कौन गोटे कौन सोपान ना ठीक अच्छे जी बर्तन आप 57 नंबर क्वेश्चन को प्रथम श्रेणी में पढ़ा हस्यखल बहीट क्योंपाई एक समन्वित पाठ्यपुस्तक भाव में ग्रहण करेखु प्रथम श्रेणी में केवल गोटे ही बही अच्छे हस्यखल पार्ट वन और हस्यखल पार्ट टू तो ये गोटे समन्वित पाठ्यपुस्तक कहीं गोटे विषय में आपड़े भाषा गणित परेश सब विषय को इनक्लूड कराई तो ये कहीं ग्रहण कराई ऑप्शन देखा एथेरे भाषा गणित परिवेश विषय को पृथक भाव पढ़ाऊँ भाषा गणित परिवेश विषय को एकाठी पढ़ाऊँ केवल भाषा और परिवेश विषय को पढ़ाऊँ केवल भाषा गणित विषय को पढ़ाऊँ तो ये दुटा तो ऑप्शन कटिगला कारण केवल भाषा और परिवेश ना तर गणित रही कि अलग अलग पढ़ाऊँ ना पिला जापरें भाषा अच्छी गणित अच्छी परिवेश अच्छी अलग अलग पार्ट पार्ट करके दि जाए ना केवल से गोटे विषय भितर आप भाषा भी अच्छी गणित अच्छी परिवेश अच्छे किसी भी पार्ट कराएन एज ए रैंडमली निहाई तो से आंसर ऑप्शन नंबर बी सठिक उत्तर हो बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन को आम देखिए बर्तमान आप 58 नंबर क्वेश्चन क्यों व्यापक पठन उदाहरण ठीक अच्छे केवल पाठ्यपुस्तक विषय गुड़ी पढ़ा पढ़ा बेले पाठ्यपुस्तक सीमित रहा बारंबार विषय वस्तु गुड़ी पढ़ा और पाठ्यपुस्तक सहित विविध पुस्तक अध्ययन तो देखो व्यापक पठन आपंकर केतपर ना आपंकर जितेबाला पाठ्यपुस्तक सहित आपण विविध पुस्तक को पढ़ी पारे ना केवल जे आप जो कहते पुस्तक कीड़ा कीड़ा होस्तक कीट होना पुस्तक कीट हे ना तो सहित आप पाठ्यपुस्तक सहित अन्न्य जो आप गप बही रही आप जिके बही पढ़ु पाला से आपड़ा एडभाइस करें केवल टेक्स्ट बुक नुहे टेक्स्ट बुक सहित पाने जिके पढ़ी पारे गप बही पढ़ी पारे चित्र आंकड़ा जो कौशल अच्छी ताकूर तो पाठ्यपुस्तक सहित विविध पुस्तक अध्ययन को ही आम व्यापक अटन बोली कहवा जी अनसाइड नंबर क्वेश्चन को तो ये आपको रिक्वेस्ट जब आम वीडियो भल लगे तो निश्चित भाव लाइक करूँ आप लाइक कर निश्चित कंजूसी करते आप जब लाइक करेंगे मतलब मोटिवेट मिले आपको प्रत्येक दिन वीडियो बनवाई तो क्योंकि शब्दानुशीलन उद्देश्य नुहे कष्ट शब्दर विश्लेषण कष्ट शब्दर व्याख्याकरण कष्ट शब्दर सरलीकरण और कष्ट शब्दर विचार न करवा तो अनसाइड नंबर क्वेश्चन सठिक उत्तर होगा आप कष्ट शब्दर विचार न करवा तो शब्दानुशीलन से उद्देश्य नुहे आम शब्दानुशीलन से कहीं आम कष्ट शब्दर विचार करूँ कष्ट शब्द कौन रही है दूरभूत करवा तो कष्ट शब्दर विश्लेषण कराए कष्ट शब्दर व्याख्या करके आप पाने मिनिंग बुझे दिखते पाला कष्ट शब्द को आप किपर सरलीकरण करेंगे कौन गोटे कष्ट शब्द अच्छी तार सरल वार्डटी कौन हो पार पिला आप विषय में बुझे पारती तो से अनुसार कितनी कष्ट शब्द विचार न करवा तार अप्सन हम ना जी बर्तन आज लास्ट क्वेश्चन गद्य शिक्षादान निमंत क्यों क्रमटे ठीक तो क्रम कथा जदि आप लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं आराम से क्रमटे आपरेंगे तो आप चाहिए ये ऑप्शन गुड़ी पढ़ पारे आम डायरेक्ट आंसर कहवा विषय विषय बहुत बड़ हो तो ये आपको सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर ए तो शिक्षकों आदर्श पठन कहीं प्रथम शिक्षक आस पढ़ती शिक्षार्थी उच्च पठन शब्दानुशील और मुझे आपको टी आगे कही नीर पठन टी शेष रुए कहीं आम जो विषय पिलाटर शब्दानुशीलन करदेलु तापर पिलाटर साइलेंट रीडिंग कै जहाँ से तार मिनिंग कौ भावधारा अथर कहक चाहते लेखक कह
ସେଠି ସେ ବୁଝିପାରେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଦର୍ଶ ପଠନ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଆପଣ କେବଳ ଏଇ ଇଏଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟାକୁ, ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ହିଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜ୍ କେବଳ ଗଦ୍ୟ ପଠନ ବେଳେ ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଯାଉ। ଯା ହଉ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଏ ଲଟ୍।